हाय दोस्तों, क्रिएटिव एक्ट चैनल की और एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बना के दिखाने जा रहा हूँ एक छोटा सा एम्पलीफायर। तो दोस्तों, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें चाहिए कुछ इस प्रकार का एक बॉक्स। दोस्तों, आप जो कोई भी बॉक्स यूज कर सकते हो। दोस्तों देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पहले से मार्क करके रखा था और दोनों साइड में दो होल का आइकन भी बना के रखा। दोस्तों, हमारा जो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इसके माप से ही हमें इसको कट करना है। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने मार्क करके पहले से रखा था। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने इसको कट कर लिया। उसके बाद दोस्तों, हमें इसकी दोनों साइड में दो होल करना भी पड़ेगा ताकि हम इसको मॉड्यूल को सेट कर सके। तो देख सकते हो दोस्तों, मॉड्यूल के पास में भी दो होल है। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें इस मॉड्यूल के साथ दो कनेक्टर देखने को मिलता है। एक है हमारा ऑडियो आउटपुट कनेक्टर और दूसरा है 5 वोल्ट इनपुट कनेक्टर। तो दोस्तों, ये है हमारा 5 वोल्ट कनेक्टर। तो चलिए इसको पिन के साथ सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एंटेना आउटपुट राइट, ग्राउंड और आउटपुट लेफ्ट। इसका मतलब है इस तीन पिन के मदद से हम एम्पलीफायर वगैरह, होम थिएटर, कुछ भी चला सकते हैं। तो चलिए दूसरे कनेक्टर को भी सेट कर लेते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने कनेक्टर को सेट कर लिए। उसके बाद दोस्तों, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को हम बॉक्स के साथ कनेक्ट कर लेंगे, सेट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। दोस्तों, इसे सेट करने के लिए हमें चाहिए दो स्क्रू, क्योंकि हमारा जो दो होल है उसमें इसको ऐड करना है। तो चलिए देख सकते हो दोस्तों, मेरे हाथ में दो स्क्रू है। तो चलिए इसको सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने तो ब्लूटूथ मॉड्यूल को सेट कर लिए। उसके बाद दोस्तों, हमें चाहिए एक आउटपुट जैक। तो देख सकते हो दोस्तों, ये आपको मार्केट में 5-10 रुपए के आसपास में मिल जाएंगे। तो चलिए इसकी नट को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस कनेक्टर को हम बॉक्स के पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने पहले से इसमें होल करके रखा था। तो चलिए इसकी स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो आउटपुट का वायर था, उसमें तीन वायर था। एक है ग्राउंड और दूसरा है आउटपुट राइट और तीसरा आउटपुट लेफ्ट। दोस्तों, ग्राउंड को हम बीच में शोल्डर कर लेंगे और आउटपुट लेफ्ट या राइट जो कोई भी वायर को साइड के पिन में शोल्डर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमें चाहिए एक चार्जर। दोस्तों, ये 5 वोल्ट का है। तो चलिए इसको बॉक्स के अंदर सेट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें चाहिए एक आईसी। तो देख सकते हो दोस्तों, इसका नंबर है L7805CV। तो दोस्तों, इस आईसी में तीन पिन है, बीच का पिन और राइट का पिन। इस दोनों पिन में हम चार्जर की वायर को शोल्डर कर लेते हैं। तो चलिए शोल्डर कर लेते हैं। किस तरीके से करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए, तो दोस्तों, चार्जर की जो रेड वायर है यानी पॉजिटिव, इसको हम राइट साइड में शोल्डर कर लेंगे और व्हाइट को बीच में शोल्डर कर लेंगे। तो चलिए शोल्डर कर लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने दोनों वायर को शोल्डर कर लिए। उसके बाद दोस्तों, हमें मॉड्यूल के साथ दो वायर देखने को मिलता है। इस दोनों वायर को हम इसके पिन के साथ भी शोल्डर कर लेंगे। दोस्तों, इसमें से एक है हमारा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव।
पॉजिटिव को हम रेड वायर के साथ सोल्डर करेंगे और नेगेटिव को हम व्हाइट वायर के साथ सोल्डर कर लेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों हमारे जो एम्पलीफायर है वो फुल्ली कंप्लीट हो गया। आईसी को हम साइड में रख लेंगे ताकि किसी के साथ बोर्ड के साथ कनेक्शन ना हो। उसके बाद दोस्तों हम ढक्कन को भी सेट कर लेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा एम्पलीफायर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब इसे चेक करना है। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा एम्पलीफायर जो है ऑन हो गया और ये ब्लूटूथ मोड में चला गया। तो देख सकते हो मोड का बटन दिया गया है, वॉल्यूम प्लस और स्कैन और वॉल्यूम माइनस का बटन दिया गया है। तो देख सकते हो हमारा जो एम्पलीफायर है वो चल रहा है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।